Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मुनक़द की जाए 70 साल की जो 70 ईयर्स की सेलिब्रेशंस हैं उसके अंदर तमाम प्रोविंसेस को इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो और जितनी बजट एलोकेशन है इस सेलिब्रेशन की वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है तमाम सूबाई हुकूमतों की सेलिब्रेशंस के लिए और उन प्रोग्राम्स के लिए. मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन जो है वो तमाम मेंबरान जो हैं कमेटी के उनकी हदायत के मुताबिक जो प्रोग्राम्स हैं पाकिस्तान टेलीविज़न, रेडियो पाकिस्तान, PNCA, लोक विरसा, PID, APP, ये तमाम लोग उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम जो है उसको हम कहते हैं चार्टर ऑफ 70 ईयर सेलिब्रेशंस, वो टाइमलाइन के साथ तमाम चीज़ों को प्लान किया गया है. इसमें जो मुख्तसरन जो चीज़ें बहुत ही प्रोमिनेंट हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 35-40 साल में हमने जो एक दहशतगर्दी की जंग लड़ी है पूरी कौम ने, वो बज़ाहिर तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन जब हम इनटॉलरेंस देखते हैं सोसाइटी के अंदर और जो हम अदम बर्दाश्त देखते हैं पूरे मुल्क के अंदर, वो उसी स्ट्रेस का नतीजा है. तो ये जो जितनी सेलिब्रेशन 70 ईयर्स के मद में हो रही हैं, ये तमाम जो है वो उसको काउंटर करने के लिए और पाकिस्तान का जो इंडिजिनस नैरेटिव था एक पीसफुल कंट्री का, क्योंकि आपने देखा कि पिछले 4 साल में जिस तरह दहशतगर्दों की कमर तोड़ी गई वज़ीर आज़म की क़्यादत में और जिस तरह दहशतगर्दी पर काबू पाया गया, ये वही मुल्क था जो 2013 में लगभग 2600 दहशतगर्दी के सालाना वाक़ियात होते थे, और आज अल्लाह ताला के फजलो करम से और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन से उसकी जो तादाद है वो 155, जो कि 88% रिडक्शन इन दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर है. पिछले 70 साल में जो आपने देखा कि पिछले 4 साल के अंदर तवानाई के जो प्रोजेक्ट्स लगे और उसकी भी मिसाल नहीं मिलती, और वो प्रोजेक्ट्स इसी दौर के अंदर गिनीज़ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड कायम हुए, क्योंकि जो तवानाई के प्रोजेक्ट हैं वो बहुत टाइम लेते हैं और 70 साल में इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं लग सके जो पिछले 4 साल में लगे. रेलवेज़ पाकिस्तान आप सबको मालूम है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन जिस तरह बदहाली का शिकार था उस पर ख्वाजा साद रफीक साहब ज़रूर रोशनी डालेंगे, लेकिन किस तरह उसको एक केस स्टडी बनाया गया पिछले 4 साल में, जो वो उसकी पूरी एक ओवरहॉलिंग होती है, जिस तरह अभी बहुत काम बाकी है, बहुत चीज़ें बाकी हैं, लेकिन जिस तरह वज़ीर आज़म का विज़न पाकिस्तान को आगे ले जाने का है वही थीम है इस इन सेलिब्रेशंस की. और इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी प्रोमिनेंट इस सेलिब्रेशन का थेमेटिक एरिया है वो है कि नौजवान नस्ल को दोबारा अपनी सकाफत से जोड़ा जाए. पाकिस्तान के अंदर जितनी बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल कल्चरल डाइवर्सिटी, हमारा जो नेशनल हेरिटेज है, हमारा जो कौमी सकाफत है, जिससे आजकल के बच्चे बिल्कुल जिसकी अवेयरनेस से महरूम हैं, उनको दोबारा अपनी सकाफत पर आगाही दी जाए और दोबारा उनको अपनी जो असल पाकिस्तान की शनाख्त है उसके साथ जोड़ा जाए. इसके साथ साथ वो तमाम हीरोज़ अफवाज पाकिस्तान, उसके साथ साथ जितने पॉलिटिकल लीडरशिप जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान में जमहूरियत को तकवीत देने के लिए कुर्बानियाँ दी, उसके साथ साथ जितनी सिविल सोसाइटी है, इंटेलिजेंसिया है, जितने हमारे आर्टिस्ट कम्युनिटी है, आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर की यह ख़ास हदायत है कल्चर और आर्टिस्ट कम्युनिटी को एक्नॉलेज करने की, अप्रिशिएट करने की, और इसीलिए पाकिस्तान ने पहली दफ़ा पाकिस्तान की ब्रॉडकास्टिंग एंड प्रोडक्शन की जो पॉलिसी है पाकिस्तान में पहली दफ़ा वज़ीर आज़म की क़यादत में और वज़ीर आज़म की हदायत पे मुरतब की जा रही है, और वो भी इसी 70 ईयर सेलिब्रेशंस का एक ख़ास हिस्सा है. इसी तरह पाकिस्तान टेलीविज़न PTV ने इस दफ़ा बहुत ही मुनफरिद प्रोग्रामिंग को प्लान किया है, और वो इस वक्त तमाम प्रोग्रामिंग जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में है. उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है जो मैं मेंबरान को भी बताना चाहूँगी, उनकी हदायत थी वो ये कि जो एक ट्रैवल लॉग है जो कि ऊपर खुंजराब से शुरू होता है और गवादर तक वो ट्रैवल करेगा, और जितनी इंडिजिनस कल्चर्स हैं, जितनी सकाफतें पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जितनी ज़बानें लैंग्वेजेस तमाम प्रोविंसेस के, उन सब को वो हाईलाइट करती है, और इसके साथ साथ जितनी सकाफत ट्रैवल करती है अप नॉर्थ से लेके नीचे बलूचिस्तान कोस्ट तक,
वो तमाम उसके अंदर आगाही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है यंगस्टर्स के लिए, नौजवानों के लिए। इसी तरह मौसीकी के प्रोग्राम है, इस तरह पाकिस्तान की हिस्टोरिक फ्रीडम आज़ादी की जो स्ट्रगल है उसके ऊपर प्रोग्रामिंग है, बहुत ही फोकस्ड प्रोग्रामिंग है। और इसमें मैं पाकिस्तान टेलीविज़न की टीम, सुखेरा साहब यहाँ मौजूद हैं जो कि सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन भी हैं, और अभी 3-4 महीने वो पाकिस्तान टेलीविज़न के MD भी रहे हैं। और मैं ये भी मेंबरान को बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने इस दफ़ा जून में, ख्वाजा साहब ये आपकी इंटरेस्ट का एरिया है, कि पहली दफ़ा जून में जो क्लोजिंग की है वो प्रॉफिट पे की है। और ये बहुत ही इसमें अनथक मेहनत है पाकिस्तान टेलीविज़न की टीम की, क्योंकि साथ साथ वो ये 70 ईयर्स सेलिब्रेशन पर भी काम कर रहे थे और उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी उसको भी उन्होंने बखूबी निभाया। इस तरह रेडियो पाकिस्तान का बहुत ही एक तवील सिलसिला है प्रोग्रामिंग का, और एक हिस्ट्री है, ये पहचान है पाकिस्तान की। और जिस तरह मैं पहले कह रही थी कि जो थीम है मैं हूँ पाकिस्तान, तो इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने उस थीम के साथ जो तमाम प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें रेडियो पाकिस्तान ने भी बहुत ज़्यादा ऐसी प्रोग्रामिंग की है जो अभी से जिनके अंदर यूथ का, नौजवानों का जो इंटरेस्ट है वो बहुत दोबारा से बहाल हो रहा है इन प्रोग्रामिंग के ज़रिए। इसी तरह PID जो है एक हिस्टोरिक जो PID की वैल्यू है, जो आर्काइव्स हैं पाकिस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल के, हमारे जो वो तमाम लोग जो कि जिनका हिस्सा है इस आज़ादी में, उन तमाम की जो स्ट्रगल को हाईलाइट करने के लिए एक कंप्लीट प्लान मुरतब किया गया है PID लेवल और APP के लेवल के ऊपर। और इसके साथ साथ पाकिस्तान जो PNCA है, उन्होंने जमाल शाह साहब ने बहुत ही, मैं उनका ज़रूर यहाँ नाम लेना चाहूँगी, कि बहुत ही तफसील के साथ, डिटेल के साथ इस प्रोग्रामिंग को मुरतब किया है। और उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कल्चरल इंटरलिंकेजेस विद आर नेबरिंग कंट्रीज़, जिसमें पहला कारवां जो है कल्चरल कारवां वो शुरू हो रहा है चाइना के साथ इंशाल्लाह इसी महीने। और उसमें जो ग्रुप है उसमें जर्नलिस्ट्स हैं, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ ऑफ द सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो कि उनके साथ ट्रैवल करेंगे। और ऊपर किस जगह से स्टार्ट होगा, उर्मची से स्टार्ट होके चाइना से गवादर तक वो कारवां जाएगा। और उसके अंदर जितनी जो सकाफत है उसकी डाइवर्सिटी है इंडिजिनस, और क्या कल्चरल इंटरलिंकेजेस हैं उनको वो उजागर करेगा। और ये एक ऐसा मुनफरिद कारवां है जो कि ट्रूपे है, कल्चरल ट्रूपे इसका नाम इसको दिया गया है, जो कि ना सिर्फ चाइना पाकिस्तान की दोस्ती लेकिन जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है उसमें उन लोगों के भी जो कारवां है, वहाँ से चाइनीज़ जर्नलिस्ट भी, सिविल सोसाइटी के लोग, डिफरेंट शोबों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग उसमें मौजूद हैं। और इसी तरह बहुत से फिल्म फेस्टिवल्स हैं जो कि PNCA के लेवल के ऊपर मुरतब किए गए हैं जो कि अगस्त में स्टार्ट होंगे। इसी तरह बहुत सी फोटोग्राफिक एग्जिबिशन हैं जो कि सूबाई जो कल्चर्स हैं उनको भी, अगर कोई बच्चा या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स या हम लोग अगर किसी किस्म की आगाही चाहते हैं दूसरे सूबों के कल्चर्स के बारे में, उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा PNCA के अंदर अगस्त में। और इसके साथ साथ जो एक आखिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जितनी थेमेटिक्स हैं इस 70 ईयर सेलिब्रेशंस की, जो कमेटी मेंबरान की एक ख़ास फोकस था कि जो तरक्की पिछले 4 साल में वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की क़्यादत में, चाहे वो डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग हो, चाहे वो हेल्थ प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स हों, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रोजेक्ट्स हों, इसी तरह अगर आप देखें कि डिफरेंट जो कल्चरल इंटरवेंशंस हैं मौजूदा हुकूमत की, वही टोन लेते हुए एक राइजिंग पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है और जो इस मट्टी से मोहब्बत है उसको दोबारा से इंटरलिंक करने के लिए हमारी यूथ के साथ, वो पूरा ओवरऑल थेमेटिक्स उसके ऊपर बेस्ड हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, बताना चाहूँगी, जो आज तकरीब है लोगो कंपटीशन हुआ और उसमें आपको जमाल शाह साहब ने तफसील बताई, ये भी जो कमेटी बनाई वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, उसकी ज़ेर क़्यादत में ये सारा प्रोसेस हुआ और इसको मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही थी। और उसमें जो एंट्रीज आई लगभग
400 एंट्रीज मौसूल हुई और उसको प्रॉपर ट्रांसपेरेंट तरीके से अखबार में ऐड देके एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए वो लोगों कंपटीशन को स्टार्ट किया गया। पूरे पाकिस्तान से हर हिस्से से एंट्रीज आई, उसमें से सबसे पहले जो एंट्रीज थी वो 200 लोगों ने भेजी डिफरेंट एंट्रीज। इसके अलावा और भी इनफॉर्मल तरीके से एंट्रीज आई, लेकिन क्योंकि वो तरीका जो था वो इनफॉर्मल था, फॉर्मल तरीके से हमें एंट्री नहीं दी गई, तो हमने सिर्फ उनको कंसिडर किया जो एक जो तरीका वज़ा किया गया था उसके अकॉर्डिंगली आई। और उसमें पैनल ऑफ जजेस बने जिसमें एनसीए के जजेस थे, मैं नाम नहीं बताऊंगी बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द जजेस एंड द ज्यूरी ऑल्सो। उसमें जो विनर हैं आज के जो लोगो अभी आप देखेंगे जो लॉन्च होगा, उसमें इनाम जो है विनर के लिए वो पाकिस्तान की आवाम के लिए, आवाम से की तरफ से उस बच्ची के लिए जिसने मेहनत करके सोच कर ये जो लोगो था उसको डिज़ाइन किया और इन तमाम एंट्री से वो लोगो फर्स्ट आया है, पहली पोजीशन उसने हासिल की है। और मैं यहाँ अनाउंस करना चाहूँगी कि जो बच्ची का नाम है वो है मिस सबा जमान, और उन्होंने उनको इनाम 5 लाख रुपया पाकिस्तान के लोगों की तरफ से, अवाम की तरफ से, और वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये इनाम है। और हम अभी आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो 70 इयर्स का लोगो लॉन्च स्टार्ट करेंगे। और आज से ये जो तकरीबात हैं जितनी 70 ईयर सेलिब्रेशन की उनका आगाज़ होगा, और पाकिस्तान के लोगों तक इन तमाम तकरीबात को पाकिस्तान टेलीविज़न और पाकिस्तान रेडियो पहुंचाएगा। और मैं मिस कर गई, आई एम सॉरी, मैंने अभी फौजिया को देखा तो मुझे याद आया कि बहुत बड़ा जो सेलिब्रेशन का कंपोनेंट है वो लोक विरसा के अंदर भी तकरीबात के ज़रिए किया जा रहा है, और उसका फोकस भी, क्योंकि मुझे याद है कि जब कैबिनेट कमेटी की मीटिंग होती थी जो बनी थी वज़ीर आज़म में, उसमें ख्वाजा साद रफीक साहब हमेशा जो सूबाई रिप्रेजेंटेशन है उस पर बहुत फोकस करते थे और उस रिप्रेजेंटेशन की हर जगह उसको फोकस करने की बात करते थे। तो इसीलिए लोक विरसा जो है वो सिर्फ जो प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन है कल्चर्स की, डाइवर्सिटी की, अदब की, लैंग्वेज की, डिफरेंट जावियों से उसके ऊपर फोकस करके तमाम तकरीबात करेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, मैं ख़ास तौर पे मीडिया हजरात का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से आज ये जो तमाम इस तकरीब की चीज़ें हैं, जो 70 इयर्स का लोगो है, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप अपने न्यूज़ रूम्स में ये ज़रूर कहें कि जब यहाँ लोगो लॉन्च हो तो उसको लाइव वो ज़रूर कट करें, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ये देखना चाहती है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की क़्यादत में पाकिस्तान अपनी 70 सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहा है। बहुत शुक्रिया जी। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेहमानान से कि लोगों को फॉर्मली आप